ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 7 फरवरी के भाषण की, जो गहलोत ने जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में दिया था। गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस एन सुब्बाराव के जन्मदिन पर आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए गहलोत ने गांधी के विचारों को लोगों के सामने रखा था। हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती वर्ष चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में एक सुखद संयोग है कि सुब्बाराव जी भाई जी की 91वीं जयंती, जन्म जयंती, और हमारे जितने फ्रीडम फाइटर बैठे हैं इनकी मौजूदगी के अंदर मनाने का हमें सौभाग्य मिला जयपुर को, राजस्थान को। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि हर बार कभी ये मध्य प्रदेश, कभी किसी राज्य में मनाते हैं, ये तो क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं, पर आज राजस्थान के और जयपुर राजधानी में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म दिवस मनाने का हमें भी सौभाग्य मिला। गांधी जी के 150वें वर्ष चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में तमाम गांधीवादी, अभी आप देख रहे हैं उनके विचार सुने आपने, एक से एक बढ़कर के हैं, उन सबको यहाँ बुलाया गया। उसके लिए मैं बापना जी को, तमाम इनके साथियों को, डियर मेहता साहब को बधाई देता हूँ कि बहुत सुंदर कार्यक्रम ये आज आयोजित हुआ। ये बिड़ला ऑडिटोरियम गवाह है कि इतनी शानदार गैदरिंग उत्साह के साथ में, नौजवान पीढ़ी के साथ में पहली बार देखने को मुझे मिल रही है। यहाँ पर पहली बार देख रही हूँ, उत्साह के साथ आप बैठे हुए हैं, प्रतिबद्धता के साथ बैठे हुए हैं, समर्पण भाव के साथ बैठे हुए हैं, निष्ठा के साथ बैठे हुए हैं। ये तभी संभव है तब हमारा कमिटमेंट जिंदगी का हो उन सिद्धांतों के साथ में जो महात्मा गांधी ने एक संदेश के रूप में दिए देश को, दुनिया को। अब गर्व है कि वही महात्मा गांधी के जन्म दिवस को पूरा विश्व, जो इनिशिएटिव लिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने एक प्रस्ताव पास करके सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में, कि यूएन के अंदर प्रस्ताव पास हो कि पूरी दुनिया मनाए महात्मा गांधी, जिसने अहिंसा के संदेश को दुनिया भर में फैलाया और देश को आजाद करवाया, उनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर अहिंसा रूप के रूप में मनाया जाए। और मुझे खुशी है कहते हुए उसका फॉलोअप भी किया गया यूएन के अंदर। मिस्टर आनंद शर्मा जो विदेश मंत्री थे वो वहां पे जाके बैठे और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करना यूएन का, पूरी दुनिया के मुल्कों ने एक साथ में। आज हर वर्ष 2 अक्टूबर गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। भाई जी गांधी जी के पद चिन्हों पर समतुल जीवन समर्पित किया है, और लाखों नौजवानों को जिस रूप में प्रशिक्षित किया है, इनके कैंप मैंने कई अटेंड किए हैं, अद्भुत कैंप होते हैं, किस प्रकार से नई पीढ़ी सब राज्यों से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट तक के राज्य के लोग आते हैं, एक नया संदेश, नया संकल्प लेके जाते हैं। मैं कोई भाषण देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी भाई जी का प्रोग्राम भी अभी होगा, जो शानदार प्रोग्राम होता है, मैंने देखा हुआ है, जो मेरे भाषण ज्यादा इफेक्ट वो डालेगा अभी आपके दिमाग के। मैं खाली यही कहूंगा कि मैं कैसे जुड़ा हूं, बस वो बताना चाहता हूं। बचपन से मैं इनको, मैंने देखा सुब्बाराव जी को, मुझे के कामराज होते थे कांग्रेस अध्यक्ष, मैं खुद 15 साल का होऊंगा उस वक्त में, तब पहली बार जोधपुर आए थे ये भी नौजवान थे, दुभाषी थे ये, और के कामराज साहब हिंदी नहीं जानते थे, तमिल जानते थे, उनका इन्होंने अनुवाद किया। मैं खुद बच्चा था कि मेरे पिताजी नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष थे, हम लोग प्रोग्राम में गए,
तब से आज तक मैं जुड़ा रहा इनसे। तरुण साझी सेना बनाई गई, नान भाई देसाई आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, महादेव भाई देसाई जो गांधी जी सजेडे थे उनके लड़के थे वो, कुमार प्रशांत जी और हम लोग सभी कई कैंप अटेंड किए उनके साथ में। 15 दिन तक मुझे भी सेवाग्राम आश्रम में रहने का उस ट्रेनिंग कैंप में सौभाग्य मिला वर्धा में। अभी जब आप सुन रहे थे महादेव विद्रोही जी की बातें, तभी हम 3-4 महीने फिर गए पहले, वहाँ हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुई। बचपन के दिन याद है, मुझे भी आया कि 50 साल पहले आके इस कैंप में यहाँ पर 15 दिन रहा था। कई कैंप अटेंड किए बांग्लादेश के आज़ादी के वक्त में भी किए, और मैं धीरे धीरे जुड़ गया। गांधी पीठ फाउंडेशन के माध्यम से हमारे जोधपुर में नेमीचंद जैन भावुक होते थे, तो मुझे खुशी है कि उसके बाद में मैं लगातार संपर्क में रहा। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि, और जो मैं नई पीढ़ी को विशेष कहना चाहूंगा कि मैं भी आपकी तरह एक कार्यकर्ता के रूप में बैठा करता था। सबसे पीछे बैठता था, और सीखने की कोशिश करता था। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे लोग गांधीवादी कहते हैं, सब कुछ कहते होंगे, पर मैंने गांधी को बहुत कम पढ़ा है। ये सब हस्तियां बैठी हुई है गांधी जी के लिए, मैंने खाली गांधी जी जीवनी कई बार पढ़ी है, कुछ साहित्य और टुकड़ों पढ़ा होगा। अगर आप एक एक लाइन पढ़े उनकी, वो दिमाग उतार लें, वो ज्यादा बेहतर है बजाय कि आप बड़े पोते पढ़े और खाली पढ़ के रह जाए। इस रूप में मैंने गांधी को पढ़ा और समझा, और कैसे एक एक लाइन से उनकी भावना निकलती थी, संदेश निकलता है उनके विचारों का, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसीलिए आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक को कहना पड़ा, मान वैज्ञानिक को दुनिया के, कि आने वाली पीढ़ियों को एहसास ही नहीं होगा कि महात्मा गांधी नाम का कोई हार्ड मांस का आदमी इस धरती पर कभी चला भी है। आप कल्पना करें उस जमाने की बात, उस महात्मा गांधी का 150वां वर्ष मना रहे हैं, भाई जी के जन्मदिन मना रहे हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे इनके सानिध्य में बैठे हुए हैं जो फ्रीडम फाइटर्स है, बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं। 20 साल पहले मैंने इसी हॉल के अंदर सम्मान किया था आपका, ये करीब 250-300-400 लोग थे उस वक्त में, आज सिर्फ 23 लोग आए हैं, इनके लिए जितना करें उतना कम है। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।